अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। हमारे बीच में मोदी नगर से अवनीत सिंह समर्थ जी उपस्थित हैं। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे छंद लिखते हैं। अब इन्होंने महाभारत और रामायण के संदर्भ में इन्होंने बहुत अच्छे छंद लिखे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाएं। अवनीत सिंह समर्थ जी, इससे पहले कि हम हमारा ही विश्वास भूलें, इससे पहले कि पीढ़ियां अपना इतिहास भूलें, इससे पहले कि संस्कारों का पूर्णतया ह्रास हो, इससे पहले कि चरित्र का पूर्णतया विनाश हो, इससे पहले कि अश्लीलता अपना शिखर चूमे, इससे पहले कि नग्नता यहाँ हर ओर घूमे, भीड़ से बाहर निकलकर आपको ओढ़ना पड़ेगा। युद्ध है ये संस्कृति का, आपको लड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। युद्ध है ये संस्कृति का, आपको लड़ना, युद्ध है ये संस्कृति का, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं सुनाना चाहता हूँ आपको इतिहास भी, मैं सुनाना चाहता हूँ राम का वनवास भी, मैं सुनाना चाहता हूँ राधिका की पीर को, मैं सुनाना चाहता हूँ उर्मिला के धीर को, मैं जगाना चाहता हूँ भारतीय खून को, मैं जगाना चाहता हूँ आपके जुनून को, श्रेष्ठ हो तुम विश्व में ये सब सुनाना चाहता हूँ, सो रहे हनुमान को मैं अब जगाना चाहता हूँ। क्या बात है भैया, आज हम बातें करेंगे वेद की, पुराण की, आज हम बातें करेंगे चरित्र के उत्थान की। राम बनकर आज हर रिश्ता निभाया जाएगा, कृष्ण का संदेश सबको अब सुनाया जाएगा, सीता सती सावित्री की सब कहानी आएंगी, साथ में विश्वपात्र लेकर मीरा दीवानी आएगी। चाहता हूँ पंक्तियाँ ये स्वर्णिम छंद हो जाएं, चाहता हूँ पीढ़ियाँ ये विवेकानंद हो जाएं। देश के परिवेश को ध्यान से देखो जरा, रक्त से सींची गई है भारती की ये धरा, यहाँ हजारों नारियों ने मौत से टीका किया, दान देकर अस्थियों का दधीच ने अमृत पिया, हम वही जो विद्वता का डंका बजाते आए हैं, हम वही जो पाप की लंका जलाते आए हैं। क्या बात है, पूर्वज मेरे तुम्हारे झेल कर संतरास को, कष्ट कितने भी सहे वे रच गए इतिहास को, उनकी हर कथा में त्याग है बलिदान है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र का सम्मान है, नारियों ने देश में श्रेष्ठतम बालक जने, ब्रह्म भी इस देश में आ गए बालक बने, जोहरों के ताप की है यहाँ गाथा कई, मौत भी इस देहरी से लौट कर वापस गई, क्यों ना हो फिर मान उनका, क्यों नहीं सम्मान हो, जातियां सब बाद में पहले हिंदुस्तान हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा। अब मैं महाभारत की एक कविता मेरी है, मंच की इजाजत हो तो मैं जी स्वागत। कथा सबने पढ़ी है महाभारत में, भगवान श्री कृष्ण गए दुर्योधन को समझाने के लिए, वो नहीं माना और उसके बाद महाभारत का युद्ध हुआ। कि दुर्योधन को सच्चाई के पथ पर जब ना चला सके, इस कविता में आदरणीय राज चैतन्य जी के कुछ सुझाव भी हैं, कि दुर्योधन को सच्चाई के पथ पर जब ना चला सके, पांच गांव तक धर्मराज को जब माधव ना दिला सके, हस्तिनापुर के बुद्धिजीवी जब मौन साध कर बैठे थे, शीश झुकाए पितामह जब हाथ बांध कर बैठे थे, जब शांति प्रस्ताव गिरे सब धर्म मार्ग अवरुद्ध हुआ, तब केशव के आवाहन पर कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। अपनी अपनी सेना लेकर सारे परिचित आए थे, अपनी अपनी सेना लेकर सारे परिचित आए थे, कालदेव ने धीरे धीरे भू पर कदम बढ़ाए थे, समय तुला सारे कृत्यों को नाप तोल कर बैठी थी, कुरुकुल वधु अभी तलक भी केश खोल कर बैठी थी, कई प्रतिज्ञा बाट जो होती जिनको पूरा होना था, जाने कितनी माताओं को निज पुत्रों पर रोना था, निज प्राणों की आहुति देने
खड़े हुए थे वीर सभी, अभी तलक धरती पर ऐसा हुआ नहीं था युद्ध कभी। रणचंडी की रणभूमि में करें आरती नारायण, महारथी अर्जुन के रथ के बने सारथी नारायण। हाथ जोड़कर अर्जुन बोले, अब घोड़ों को खींच चलो, जहां खड़ी है दोनों सेना केशव उनके बीच चलो। अर्जुन की विनती पर माधव मौन रहे, बस मुस्काए। कुरुक्षेत्र के मध्य भाग में रथ को काना ले आए। अर्जुन ने देखा रिश्तों को रणभूमि में खड़े हुए, रक्त बहाने को तत्पर। जब देखा सबको अड़े हुए, फिर भावों का सागर उमड़ा, बांध ज्ञान का टूट गया। श्रेष्ठ धनुर्धर के हाथों से धनुष यकायक छूट गया। कैसी घोर परीक्षा है जो महासमर में देनी है, दादा चाचा भाई बंधु जान सभी की लेनी है। सारे अपने खड़े सामने, किसका रक्त बहाऊं मैं, नहीं समझ कुछ भी आता, अब कैसे बाण चलाऊं मैं। ज्ञान सिखाया है जिसने, कैसे उनको मारूंगा। पितामह का बोलो माधव, कैसे शीश उतारूंगा। द्रोण शिष्य की देख अवस्था, श्री कृष्ण कुछ चिंतित थे, कैसे अर्जुन को समझाएं यही सोचते किंचित थे। जिनके आगे धरती अंबर सब छोटे पड़ जाते हो, नाग कालिया के फन पर जो मुरली मधुर बजाते हो, वो श्री कृष्ण अब अर्जुन को समझाने सब सार लगे। कर्म महत्ता को दर्शाने विष्णु के अवतार लगे। बाण धनुष से निकल गए, वो नहीं लौट कर आते हैं। जग कहता है कायर उनको जो रण में घबराते हैं, चक कहता है कायर उनको जो रण में घबराते हैं। नहीं नपुंसक बनकर बैठो, नहीं मार्ग अवरुद्ध करो। वीर नहीं तुम महावीर हो, धनुष उठाओ युद्ध करो। और जन्म हुआ है जिनका, उनकी मृत्यु होना निश्चित है। मृत्यु के उपरांत जन्म भी निश्चित और सुनिश्चित है। बस माटी पुतला मरता है, अजर अमर है आत्मा। जन जन के भीतर बैठा है दिव्य रूप परमात्मा। जब जब हानि धर्म की होती, पाप धरा पर बढ़ते हैं। तब धरती से पाप मिटाने हम स्वयं अवतरित होते हैं। तो उठो पार्थ, अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं कि उठो पार्थ, गांडीव उठाओ, अब ना तनिक विचार करो। धर्म मार्ग में जो बाधक हैं सबका तुम संहार करो। बेशक कितना रक्त बहे, अब धर्म ध्वजा ना झुकने दो। कर्तव्य के पथ पर दौड़ो, कदम रुके ना रुकने दो। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, फल का चिंतन करना क्या। जो होना है सब निश्चित है, सोच सोच कर डरना क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।